हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट टू चैप्टर फोर वर्किंग विद ऑब्जेक्ट इन एमएस वर्ड 2010 के बारे में। हमारे सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इंसर्टिंग पिक्चर फ्रॉम द फाइल, फाइल से पिक्चर को इंसर्ट करना। सेकंड हमारा पॉइंट आता है रिसाइज द इमेज, इमेज को रिसाइज करना। और थर्ड पॉइंट आता है इंसर्टिंग एंड मॉडिफाइंग द सेव, सेव को इंसर्ट करके उसको मॉडिफाई करना। तो आइए जानते हैं। अब हम अपनी पिक्चर को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना सीखेंगे कि अगर कोई दूसरी इमेजेस है जो क्लिप आर्ट में नहीं है, इस टाइप के अगर कोई इमेजेस आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे उसको इंसर्ट करेंगे, आइए जानते हैं। तो इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम अ फाइल फ्रॉम फॉलो द स्टेप। अगर आप किसी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इन स्टेप को फॉलो करें। फर्स्ट क्लिक द इंसर्ट टैब। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक द पिक्चर आइकॉन फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप। इलस्ट्रेशन ग्रुप से हम पिक्चर आइकॉन पर क्लिक करेंगे। द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर। हमारे सामने इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं विंडो बनी हुई है। आफ्टर देन हमारे सामने इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो चुका है। लोकेट द इमेज फाइल विच यू वॉन्ट टू इंसर्ट। अब आप उस इमेज फाइल पर जाएंगे जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द इमेज एंड क्लिक इंसर्ट। और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर हम क्लिक करेंगे। द सिलेक्टेड इमेज विल बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। और आपके द्वारा सिलेक्ट की हुई इमेज आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। रिसाइजिंग द इमेज। आपके द्वारा इंसर्ट की हुई इमेज को आप रिसाइज कैसे करेंगे, तो आइए जानते हैं। टू रिसाइज द इमेज फॉलो द स्टेप। आप किसी इमेज को रिसाइज करने के लिए इन स्टेप को फॉलो कर सकते हैं या करेंगे। फर्स्ट क्लिक ऑन द इमेज। सबसे पहले हम उस इमेज पर क्लिक करेंगे। यू विल सी द रिसाइजिंग हैंडल अराउंड द इमेज। आप देख सकते हैं कि आपके इमेज के चारों तरफ रिसाइजिंग हैंडल जो है वो आ जाएंगे, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं। ड्रैग वन ऑफ द कॉर्नर साइजिंग हैंडल टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द इमेज इन द सेम पोर्शन। आप किसी एक कॉर्नर को ड्रैग करके अपनी इमेज की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं सेम पोर्शन में। ड्रैग वन ऑफ द साइड साइजिंग हैंडल प्रेस द इमेज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। आप एक साइड से इमेज की जो साइजिंग हैंडल है उसको स्ट्रेच करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट में आप रेडीमेड शेप को इंसर्ट करके उसको बहुत अट्रैक्टिव और बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक को। एमएस वर्ड कम्स विद अ सेट ऑफ रेडीमेड शेप्स। एमएस वर्ड रेडीमेड शेप के सेट के साथ आता है जो कि हमको कई टाइप के रेडीमेड शेप प्रोवाइड करता है। यू कैन यूज दिस शेप इन योर डॉक्यूमेंट। आप इस शेप का यूज अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। यू कैन इंसर्ट शेप सच एस एरो, कॉलआउट्स, स्क्वायर्स, स्टार्स, फ्लोचार्ट्स, सिंबल्स एंड मोर। आप शेप्स में एरोज, कॉलआउट्स, स्क्वायर शेप जो होते हैं, स्टार्स होते हैं, फ्लोचार्ट, सिंबल होते हैं और भी मैनी टाइप के जो शेप्स होते हैं उनको आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट अ शेप फॉलो द स्टेप। आप अपने शेप को इंसर्ट करने के लिए इन स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। क्लिक द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट शेप्स इन द आइसोलेशन ग्रुप, सॉरी इलस्ट्रेशन ग्रुप से आप शेप्स पर क्लिक करेंगे। शेप्स ऑप्शन जो होता है अ मेनू ऑफ शेप्स अपीयर। आपके सामने शेप्स का मेनू अपीयर हो जाएगा, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि आपने इस पर क्लिक किया और आपका शेप्स मेनू जो है वो अपीयर हो गया। चूज अ शेप। इनमें से आप किसी एक शेप को चूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं स्माइली फेस फ्रॉम द मेनू। आपने मेनू से स्माइली शेप को सिलेक्ट किया है। Your cursor will change to a cross shape. आपका जो कर्सर है वो क्रॉस शेप में चेंज हो जाता है। क्लिक एनी वेयर इन द वर्क स्पेस एंड देन ड्रैग टू प्लेस द शेप। और आप अपने वर्क स्पेस पे कहीं भी क्लिक करके इस शेप को ड्रैग कर सकते हैं और उस प्लेस पर रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी शेप में एक कर्सर क्रॉस का एक साइन आ रहा है और स्माइली फेस भी आपको शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको ड्रैग करके अपने वर्क स्पेस में कहीं भी रख सकते हैं जहां आपकी रिक्वायरमेंट है। मॉडिफाइंग द शेप। शेप को इंसर्ट करने के पास उस शेप को अलग अलग टाइप से मॉडिफाई किया जा सकता है जिससे आपका डॉक्यूमेंट और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनता है। तो आइए जानते हैं कितने टाइप से आप शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है चेंजिंग द शेप स्टाइल। आप अपने शेप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। टू चेंज द स्टाइल ऑफ द शेप फॉर द स्टेप, इसके लिए अपने स्टेप को फॉलो करेंगे। फर्स्ट सिलेक्ट द शेप बाय क्लिकिंग ऑन इट। सबसे पहले हम क्लिक करके शेप को सिलेक्ट करेंगे। द फॉर्मेट टैब विल गेट एक्टिवेटेड। आपका फॉर्मेट टैब एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड है क्लिक द डिजायर्ड शेप स्टाइल। आप जो शेप स्टाइल दी गई है उनमें से किसी एक शेप स्टाइल पर क्लिक करेंगे। लाइक दिस, जैसा कि आप देख सकते हैं इस विंडो में
शेप स्टाइल आपको दिख रही होगी, इनमें से किसी भी एक शेप स्टाइल पे हम क्लिक करेंगे। द सिलेक्टेड शेप स्टाइल विल बी अप्लाइड टू योर शेप, और आपके द्वारा सिलेक्ट की हुई शेप स्टाइल जो है वो आपके शेप पर अप्लाई हो जाती है, जैसा कि आप इस विंडो में देख सकते हैं। गिविंग शैडो इफेक्ट टू द शेप, शेप को मॉडिफाई करने के लिए इसमें आप शैडो इफेक्ट भी रख सकते हैं। टू कीप शैडो इफेक्ट द शेप फॉलो द स्टेप्स, आप अपने शेप में शैडो इफेक्ट देने के लिए इन स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट दिया गया है सिलेक्ट द शेप बाय क्लिकिंग ऑन इट, क्लिक करके इस शेप को सिलेक्ट करें जिसको भी आप शैडो इफेक्ट देना चाहते हैं। द फॉर्मेट टैब विल गेट एक्टिवेटेड, और आपका फॉर्मेट टैब जो है जैसा कि आप जानते हैं एक्टिवेट हो जाएगा। क्लिक द शेप इफेक्ट आइकॉन, इसके बाद हम शेप इफेक्ट आइकॉन पर क्लिक करते हैं। अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट शैडो इफेक्ट अपीयर्स, और आपके सामने डिफरेंट टाइप के शैडो इफेक्ट की लिस्ट अपीयर हो जाती है। क्लिक ऑन डिजायर्ड शैडो इफेक्ट, और इसमें से आप एक शैडो इफेक्ट पर क्लिक करते हैं जिसको कि आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जिसको कि आप देना चाहते हैं, उस शैडो इफेक्ट पर आप क्लिक करते हैं। द सिलेक्टेड शैडो इफेक्ट विल बी अप्लाइड टू योर शेप, और आपके द्वारा सेलेक्ट किया हुआ शैडो इफेक्ट आपके शेप पर अप्लाइड हो जाता है, लाइक दिस, जैसा कि इस वीडियो में हम देख सकते हैं। फिलिंग अ शेप विद कलर, शेप में कलर फिल करना, टू फिल कलर्स इन द शेप फॉलो द स्टेप, आप अपने शेप में कलर फिल करने के लिए इन स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। सेलेक्ट द शेप बाय क्लिकिंग ऑन इट, सबसे पहले शेप को क्लिक करेंगे। द फॉर्मेट टैब विल बी गेट एक्टिवेटेड, आपका फॉर्मेट टैब जो है एक्टिवेट हो जाएगा। क्लिक द शेप फिल ऑप्शन, आप शेप फिल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इट विल डिस्प्ले अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करता है। सिलेक्ट द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द लिस्ट, आप दिए गए लिस्ट में से किसी एक कलर को सिलेक्ट करें। द सिलेक्टेड कलर विल फिल योर शेप, और आपके द्वारा सिलेक्ट किया कलर जो है वो आपके शेप में फिल हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। चेंजिंग द आउटलाइन ऑफ अ शेप, शेप का आउटलाइन चेंज करना, टू चेंज द आउटलाइन ऑफ द शेप फॉलो द स्टेप, इसी शेप का आउटलाइन चेंज करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट सेलेक्ट द शेप बाय क्लिकिंग ऑन इट, सबसे पहले शेप को सिलेक्ट करें, क्लिक करके हम शेप्स को सिलेक्ट करते हैं। द फॉर्मेट टैब विल गेट एक्टिवेटेड, और आपका फॉर्मेट टैब जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्लिक द शेप आउटलाइन आइकॉन, और उसके बाद हम शेप आउटलाइन आइकॉन पर क्लिक करते हैं। इट विल डिस्प्ले अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, और जो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले करेगा। सिलेक्ट अ कलर फ्रॉम द लिस्ट फॉर आउटलाइन, और आप आउटलाइन के कलर के लिए दी गई लिस्ट में से एक कलर को सिलेक्ट करेंगे। द सिलेक्टेड कलर विल बी अप्लाइड टू योर आउटलाइन ऑफ योर शेप, और आपके द्वारा सिलेक्ट किया गया कलर आपके शेप की आउटलाइन पर अप्लाई हो जाएगा, लाइक दिस, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं। हमारे द्वारा सिलेक्ट किए गए कलर से हमारे शेप की आउटलाइन चेंज हो जाती है। तो आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में जाना कि आप पिक्चर को फाइल से कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज को रिसाइज कैसे कर सकते हैं, और थर्ड हमारा है कि शेप को इंसर्ट करके उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस चैप्टर में हमने पढ़े, बड़े इंटरेस्टिंग थे और बड़े ही नॉलेजफुल थे। तो प्यारे बच्चों, इन पॉइंट्स को एक बार फिर रिवाइज कीजिए, वीडियो को रिवाइज करके देखिए। अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।